अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी वर्षा जाधव। पाहूया काही ठळक वृत्त। केंद्र शासनाने सन 2017 मध्ये पारित केलेला मुस्लिम महिलांचा विवाह कायदा हा घटना विरोधी असून मुस्लिम महिलांचा अनादर करणारा आहे। हा कायदा त्वरित रद्द करावा, तसेच 3 तलाक बिल सुद्धा त्वरित मागे घेण्यात यावे। या मागण्यांसाठी जळगाव जिल्हा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या विद्यमाने हजारो मुस्लिम महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज भव्य मुखमोर्चा काढला। मुस्लिम महिला या राजकीय कारणासाठी कैद केल्या गेल्या। राष्ट्रपतींनी केलेल्या या वक्तव्याचा सुद्धा या हजारो मुस्लिम महिलांनी निषेध व्यक्त केला। मुस्लिम समाजाच्या सुमारे 40,000 महिला या भव्य मुखमोर्चामध्ये शिस्तबद्ध पद्धतीने आज सामील झाल्या होत्या। महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये प्रथमच हजारोंच्या संख्येने मुस्लिम महिला त्यांच्या मागण्यांसाठी आज रस्त्यावर उतरल्या होत्या। पाहूया मुस्लिम महिलांनी काढलेल्या या भव्य मुखमोर्चाचा हा स्पेशल रिपोर्ट। इस शेर के साथ
और आपके नुमाइंदगी करते हुए एक बार
वाकिफ है कि तीन तलाक ये हुकूमत के लिए कोई नया मौजू नहीं रहा है। नौवत की दहाई से सर ये औरतों को लंदे तलाक के नाम पर इन हजार के पेट में दर्द रहता है, मगर 2014 के बाद से तो इसके तस्करे में इतना इजाफा हो गया, इतना इजाफा। इसमें बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं हैं और दो ही यहां पर मुतालबे हैं। पहला मुतालबा हमारा ये है कि माननीय राष्ट्रपति जी ने जो बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग रिमार्क मुस्लिम महिला बहुत बढ़िया यार अच्छी तरह बहुत आगे भी नहीं अभी वहाँ जाके जमा होंगे सब। अस्सलाम वालेकुम सर, बराबर बिल द मुस्लिम विमेन बिल 2017 के नाम से राज्यसभा में बिल पास होने के लिए वेट कर रहा है, लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में प्रेजेंट हुआ लेकिन अटका कि पास नहीं हुआ है। वो जो बिल है फिर मुस्लिम विमेन ट्रिपल तलाक बिल, हालांकि उसके नाम में भी कहीं जो कर तलाक बिल लिखा हुआ नहीं है और उसके अंदर भी कहीं लिखा ही नहीं है तलाक। तो वो जो बिल है आज इंसाफ मांगने के लिए मुस्लिम महिलाएं
अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यूज़ करते हुए जलगांव शहर की सड़कों पर हज़ारों की संख्या में उतरी। ये जो बिल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में भी इंटरफेरेंस है, उससे भी हमको डिप्राइव कर सकता है ये, क्योंकि शरीयत एप्लीकेशन 1937 ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जिसको फेमसली लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था 22 अगस्त 2017 को इसी इंडियन ट्रिपल तलाक के संदर्भ में, उसमें भी ये बात थी, वो वर्डिक्ट स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है और किसी भी ये राइट बिल्कुल नहीं है कि वो उसमें इंटरफेरेंस करे, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यही हमारा स्टैंड है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हमसे छीना नहीं जा सकता। उसके अलावा इस बिल का जो नाम है वो ही ना तो उसमें डिवोर्स है, ना ट्रिपल डिवोर्स है, ना इंस्टेंट ट्रिपल डिवोर्स है, तो नाम ही हमको इसका हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो नाम है इन ब्रैकेट जो दिया हुआ है प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑफ मैरिज, तो मैरिज जो है एक मुस्लिम मैरिज ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ना तो ये जन्म जन्मांतर का बंधन है जो टूट ना सके, और इसीलिए ये एग्जिट रखी गई थी। आज ये झूठ बोला जा रहा है खूब मीडिया में भी कि ये एक प्रॉब्लम है, वी आर द स्टेक होल्डर्स, वी नो द रियलिटी, वी आर द मुस्लिम वेमेन ऑफ इंडिया, हम उस शरीयत को फॉलो करते हैं, वी नो देम इन इट्स बेस्ट वे, हम जानते हैं कि ये जो डिवोर्स है ये प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। एक मैरिज हुई, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उस मैरिज में हम खुश नहीं हैं, हम सुकून से नहीं हैं, तो बहुत अच्छा तरीका बताया गया है कि उस सिविल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा सकता है, और बहुत सारे सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म होते हैं। कोई सिविल कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रेक होता है तो उसको आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, जो इस बिल के थ्रू करने की कोशिश की जाए कि उसको क्रिमिनलाइज किया जाए, और कहा यह जा रहा है कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, हालांकि इसके अंदर जो बातें कही गई हैं, फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 क्लॉज 2B, उसमें ये बात कही गई है कि कोई भी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, आई मीन दे हैव रिटन तलाक बिदअत, उसके आगे उन्होंने लिखा है कि कोई भी ऐसी सिमिलर फॉर्म ऑफ डिवोर्स जो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट रखती हो और इरिवोकेबल हो, यानी आप उसको आसानी से, बहुत आसानी से लौटा नहीं सकते, जिसको हमारी शरीयत में कहा जाता है रजत नहीं कर सकते, तो वो भी इस बिल, ये बिल अगर इस फॉर्म में पास हो गया तो वो कोई भी फॉर्म ऑफ डिवोर्स है ख़त्म हो जाएगा। इसमें तो हमारी खुला भी आ गई, अब हमसे कहा जा रहा है कि आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करिए, आपको और ज़्यादा राइट्स देंगे, हालांकि इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमको 1400 साल से भी ज़्यादा हो गए राइट्स मिल के, हम लोग पूरी तरह से आज़ाद हैं, गुलाम नहीं हैं। यहाँ पर हम माननीय राष्ट्रपति जी के उस वक्तव्य को भी स्ट्रांगली कंडेम करना चाहते हैं जो उन्होंने बजट सेशन के फर्स्ट जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में कही थी कि मुस्लिम महिलाएं डेकेड से पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से बिल्कुल गुलाम हैं, गुलामी की ज़िंदगी जी रही हैं, और इस देश को एक मौका मिला है कि उनको आज़ादी दिलाए, और मेरी सरकार ने ये बिल पेश किया जिसके ज़रिए से मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी मिलेगी और इज़्ज़त मिलेगी। आई रियली डोंट नो वेदर ही डजंट नो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई मजबूरी है, हमको नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि ये बात गलत है।
ना तो हम गुलाम हैं और ना ही हम बेइज्जत हैं। उनके इन रिमार्क्स की वजह से हमारी बेइज्जती ज़रूर हुई है। वी फील दैट दीज रिमार्क्स आर एक्सट्रीमली इंसल्टिंग फॉर मुस्लिम वीमेन। वी आर डीपली हर्ट एंड वी डिमांड दैट ही हैज़ टू टेक हिज वर्ड्स बैक। इतनी टॉप मोस्ट सेक्युलर पोस्ट रखते हुए आप अपने कंट्री के लार्जेस्ट माइनॉरिटी को हर्ट नहीं कर सकते। ये उस पोस्ट की शान के ख़िलाफ़ है। हम उम्मीद करते हैं कि वो इस बात को मानेंगे कि गलती हुई थी। दूसरी बात, जो मेन बिल है, जैसा कि हमने आपको बताया, बहुत ज़्यादा उसमें तो इतने फ्लॉज और लेक्यूनाज हैं कि उस पर हम लोग घंटों नहीं दिनों बात कर सकते, और पूरी दुनिया में उसका इसीलिए मजाक उड़ाया जा रहा है। इतनी हेस्ट में है ये गवर्नमेंट इस बिल को पास करने के लिए कि जो लीगल प्रोसीजर्स हैं उसको भी पूरा करने के लिए तैयार नहीं। कोई भी सिविल मैटर जब तक आप सारे स्टेप्स चेक ना कर लो, उस ईविल को सोसाइटी से कम करने के लिए आप उसको डायरेक्टली क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हो। आपको तो लॉ हमसे बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन ये इलीगल काम किया जा रहा है इस बिल के थ्रू, तो ये तो हमारे कंट्री के लॉ के खिलाफ है। ये आईपीसी के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आईपीसी के खिलाफ है, एंटी वुमेन है। बिल्कुल झूठ है कि ये हमारे हक में है, ये एंटी वुमेन है, एंटी चिल्ड्रन है। इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमारे अधिकार जो हमें ऑलरेडी मिले हुए हैं वो इससे छीने जाएंगे। तो हम ये फील करते हैं कि ये बिल जो है, हमें नहीं पता कि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमारे अधिकारों को छीने गए हैं। हमें नहीं पता कि वो जानबूझकर ऐसा किया गया है या अनकॉन्शियसली जल्दी में ऐसा हो गया है, लेकिन ये हमारे अधिकारों को छीनेगा, इसलिए हम इस बिल के अगेंस्ट हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सपोर्ट में हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो हमारे इस देश में हमारी इज्जत के रखवाले हैं, बल्कि हमारे ईमान, हमारे दीन व शरीयत के भी रखवाले हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ते हैं, तो हमको उन पर पूरा भरोसा है, हम उनके सपोर्ट में हैं। इस बिल से एक कोशिश ये की जा रही है कि हम अपने मर्दों ही के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, जो कि हम बिल्कुल करने के लिए तैयार नहीं हैं। बिकॉज इस्लाम में हस्बैंड एंड वाइफ के लिए जो अरबिक वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है ज़ौज, एंड ज़ौज मीन्स पार्ट। सो वी आर पार्ट्स ऑफ ईच अदर। अब हमको पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है, जो बनने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, और वो बनने से हमको नुकसान ही होगा। हमारे मर्द जेल में चले जाएंगे और हम अकेले रह जाएंगे, कुछ भी हमको मिल नहीं रहा है इस बिल से। और एक तो क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, दूसरे कॉग्निजिबल ऑफेंस है। मतलब सिर्फ वाइफ रिपोर्ट करे तो एक बार को सोचा जा सकता है, जो होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लॉज हैं। और कोई भी रिपोर्ट कर दे, कहीं से भी रिपोर्ट कर दे, और उसके लिए किसी अरेस्ट वारंट की भी ज़रूरत नहीं है। बस पुलिस आएगी और ले जाएगी और हम कहते रह जाएंगे कि उन्होंने तलाक नहीं दी है, कहा जाएगा आप कोर्ट में प्रूव कीजिए। क्रिमिनल लॉज में बर्डन ऑफ प्रूफ आप औरत के ऊपर डाल रहे हैं, जो कि बहुत हेवी बर्डन है, और आप कह रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किस तरह का प्रोटेक्शन है? हमारे ऊपर बहुत हेवी बर्डन पड़ गया, हस्बैंड उसने तलाक दी नहीं दी, वो जेल में चला गया, फिर आप कह रहे हैं वो मेंटेनेंस देगा। जेल में बैठकर पत्थर फोड़ते हुए वो मेंटेनेंस कैसे देगा हमको और हमारे बच्चों को? तो अगर डिस्कस करें तो बहुत सारे फ्लॉज एंड लेक्यूनाज हैं, जिसकी वजह से ये बिल हमको बिल्कुल भी कबूल नहीं है। और हम आज यही डिमांड लेकर आए हैं, हमारा ये मेमोरेंडम हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और ये मेमोरेंडम हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए भी है और माननीय राष्ट्रपति जी के लिए भी है। हमारी उनसे ये मांग है कि विदाउट कंसेंटिंग स्टेक होल्डर्स, आप स्टेक हो किसी भी कम्युनिटी के लिए कोई कानून नहीं बना सकते हैं। आपको हमारे लिए कानून बनाना है,
हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन करना है तो आइए हमसे बात कीजिए, हमारे लॉयर्स से बात कीजिए, हमारे वुमेन एनजीओ से बात कीजिए, हमारे जो उलमा हैं जिनको हम ऑथोराइज करते हैं, दे आर आर रिप्रेजेंटेटिव्स, फॉर एग्जाम्पल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अब उन सब से बात कीजिए, खुले दिल से बात कीजिए। बोर्ड ने तो प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं इस मैटर को, लेकिन आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सैडेंड कि हम लोगों को आज तक के कोई जवाब नहीं है। और हमारे ये माननीय प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं कि नोटबंदी का फैसला सुनाते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर को भी पता नहीं होता। तो अब इनका जो तरीका है वो कम से कम डेमोक्रेटिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। और हम आज यहाँ जो खड़े हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सेव करने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने दीन शरीयत को बचाने के लिए और अपने देश को भी कॉरपोरेट फासिज्म, डिक्टेटरशिप और अत्याचार, आतंकवाद और हर तरह की बदअमनी से बचाने के लिए खड़े हैं। हम अपने लिए भी निकले हैं और देश के लिए भी निकले हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे और कंसर्न अथॉरिटीज तक ज़रूर पहुँचाएंगे। ठीक है, थोड़ा बचा मामा हाई को कि हमारा जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, तो कॉमनली नोन एज मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसमें इंटरफेरेंस हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, ये इस कंट्री के सिटीज़न होने की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपने अपनी इज्जत, अपने दीन, अपनी शरीयत को बचाने के लिए भी खड़े हुए हैं और इस देश को भी झूठ, अत्याचार और जुल्म और दहशतगर्दी और बदअमनी, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम सब मुस्लिम महिलाएं आज आगे आई हैं। हम अपनी बात कलेक्टर ऑफिस में रखेंगे और ये बात पीएमओ तक, यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक और राष्ट्रपति जी तक पहुंचाई जाएगी। हम नेरल महाराष्ट्र से आए हैं आज की इस रैली में भाग लेने के लिए। और ये कितनी महिलाएं यहाँ पे आज जिला पंचायत अभी अप्रॉक्सीमेटली 40,000 महिलाओं का हमारा अनुमान है और हम आप भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और हम भी थोड़ी देर के बाद फाइंड आउट करके आपको फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बता सकते हैं। इससे पहले भी आपने अधिवेशन लिया? अधिवेशन के वक्त भी हमारा यही टॉपिक था, लेकिन उस वक्त अधिवेशन था, आज रैली है। मुस्लिम महिलाएं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को बचाने के लिए सड़कों पर आई हैं और बहुत ही पीसफुल तरीके से आई हैं, जैसा कि आपने देखा है, क्योंकि जो ये मुस्लिम समाज है ये बहुत ही शांतिप्रिय समाज है, तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बिल्कुल मूक मोर्चा निकाला गया है। हम सिर्फ अपना प्रोटेस्ट ये दर्ज करना चाहते हैं, ये ऐवानों, सरकारों, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के ज्ञान में हम ये बात लाना चाहते हैं कि हम इस बिल के ज़रिए से अपने अधिकारों का हनन देख रहे हैं। हम अधिकारों को मिलता हुआ नहीं बल्कि लुटता हुआ देख रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ खड़े हैं और हमारी डिमांड है कि ये बिल अब बिल्कुल दोबारा पेश ना किया जाए, इसको वापस लिया जाए। कम्प्लीटली एंड एब्सोल्युटली रिजेक्ट दिस बिल। और हम ना सिर्फ अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं बल्कि इस देश की में भी शांति स्थापित करना, ये हमारा उद्देश्य है। आज आमी ये थे जलगांव शहर ची तमाम मुस्लिम वुमेन ट्रिपल तलाक बिल हे रद्द करण्यासाठी व माननीय राष्ट्रपति महोदयांनी जे वक्तव्य दिले आहे संसदेमध्ये त्याच्या विरोधात धरण प्रदर्शन व रॅलीसाठी इथे जमलेलो आहोत। ट्रिपल तलाक बिल हे नाव हे चुकीचे आहे, या बिलामध्ये अनेक त्रुटी आहे, अनेक फ्लॉज आहे, लॅक्युनाज आहे,
हे बिल आम्हाला आमचे हक्क देणारे नाही, बल्कि आम्हाला हे बिल आमचे हक्क हिसकावणारे आहे. या हे बिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राज्यघटनेच्या विरुद्ध आहे. हे बिल सुप्रीम कोर्टच्या जजमेंटच्या विरुद्ध आहे. हे बिल इंडियन सेक्युलर डेमोक्रॅटिक सिस्टीमच्या विरुद्ध आहे. हे बिल हे जेंडर जस्टिसच्या विरुद्ध आहे. हे बिल मानवी हक्कांच्या विरुद्ध आहे. हे बिल अँटी चिल्ड्रन आहे, अँटी वुमन आहे. जर पती मुस्लिम पुरुष हे तीन वर्ष कैदमध्ये असतील व त्यांना दंड ही शिक्षा दिली गेलेली आहे, तर या बिलामध्ये ट्रिपल तलाकचे कुठेही उल्लेख नाही. हे बिल संपूर्ण तलाक सिस्टीम हे मिटवणारे बिल आहे. जर तलाक मुस्लिम पुरुष हे शिक्षामुळे भीतीमुळे घाबरतील व या भीतीमुळे हे मुस्लिम पुरुष तलाक देण्याने घाबरतील, या ह्यामुळे तलाकचे सिस्टीम हे बंद होईल. सेपरेशनची कोणतीही पद्धत जर उरेल नसेल तर तीन तऱ्हेने गुन्हा वाढतील. हे तलाक हे प्युअरली सिव्हिल इश्यू आहे. याला अपराधीकरण करणे, याचे क्रिमिनलायझेशन करणे हे चुकीचे आहे. तीन तरीकेने जे अपराध वाढतील त्यामध्ये सुटका यानी मुस्लिम पुरुष पती पत्नीने सुटका मिळवण्यासाठी तलाकला भीती शिक्षेचे भीतीने तलाक देणार नाही. यामुळे होतील हे की मुस्लिम स्त्रियांना तो तसेच सोडून रस्त्यावर सोडून पडून निघेल, अथवा मर्डरचे केसेस वाढतील. या बिलामध्ये जे शब्द प्रयोग केले गेले हे इरिव्होकेबल अँड इन्स्टंटेनियस, ह्यामुळे शरीयत जे हक्क आम्हाला खुलासा देते यामुळे हे हक्क पण हिसकवणारे जाणार आहे. यामुळे आत्महत्याचे इन्सिडन्स वाढतील. हे बिल लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस बिल इज अगेन्स्ट इट इज इन टोटली इंटरफेरन्स इन अवर शरीयतमध्ये. हे बिल दखलअंदाजी करणारे आहे. इस्लाम हे आमचे मुस्लिम स्त्रियांचे चॉईस आहे. इस्लाम हे आमचे मान आहे, सम्मान आहे, स्वाभिमान आहे, अभिमान आहे. इस्लाम हे आमची जान आहे, आमची शान आहे व इस्लामसाठी आमचे शेकडो जान कुर्बान आहे. धन्यवाद. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.